हेलो असद साहब, भाई बात करो बात करो। वालेकुम। हाँ वाले सलाम, आप हिम्मत से काम करिए, जल्द से जल्द इनको जमानत पे निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। नाजरीन, आदाब। दक्कन टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। चंगी चिल्ला केस में पुलिस स्टेशन मेटपल्ली में 8 मुसलमान लड़कों पर एससी एसटी और दूसरे संगीन सेक्शन लगाकर सबको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया था। उसके फौरी बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद एमआईएम प्रेसिडेंट की हिदायत पर एडवोकेट मोहम्मद अजीज़ुर रहमान ने 8 लड़कों की बेल करवाई और जमात की जानिब से इन 8 मुसलमान लड़कों के घर वालों को माली मदद और राशन की मदद की गई और ये सब लोगों की बेल और श्योरिटीज़ भी जमात की जानिब से की गई हैं और सब लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मिर्ज़ा रहमत बेग एमएलसी और एडवोकेट मोहम्मद अजीज़ुर रहमान का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। हेलो असद साहब, बात करो बात करो। हाँ सलाम। वाले सलाम, आप हिम्मत से काम करिए, जल्द से जल्द इनको जमानत पे निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे बहुत इंशाल्लाह। मेहरबानी होती साहब, मेरे को कोई भी संभालने वाला पालने वाला नहीं है साहब। इंशाल्लाह तो परेशान रखो। क्या नाम है बच्चे का आपके? अच्छी हमीद, शेख बात हमीद। है। तो आप, ये बच्चा हमारा वकील अच्छा है, आप कुछ भी रहा तकलीफ बोलते रहिए उनको। वही बोल रहे हैं साहब, मेरे को पालने वाला कोई भी नहीं। वो एक बच्चे भाई पे साहब, जीती मैं मैं। आपके साथ, साहब है आपके साथ, आप टेंशन मत लो। आप अल्लाह है, अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग कोशिश करेंगे पूरे, जरूरत करेंगे ठीक है सर इंशाल्लाह। आसाद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चों को बेल, सबको बेल दिलाए, सबको बेल के बाहर, जेल के बाहर कराए। मेरे बच्चों के ऐसे मेहरबानी आसाद साहब का बहुत मेरे को शुक्रिया है। जो करे आसाद साहब करे, मेरे को राशन पानी सब दे, मेरे बच्चों का टेंशन नहीं लेने दिए, मेरे को बहुत कुछ हिम्मत दिए उनके लायर साहब से और उनसे मेरे को बहुत हिम्मत मिली और बहुत मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी छुटा। अल्लाह उनको लाख लाख शुक्रिया मैं अदा करूंगी और जिंदगी भर उनके इसमें रहूंगी मैं। या अल्लाह मेरे को बहुत अच्छा करे आसद साहब, बहुत मेहरबानी करे उन्होंने, बहुत से बहुत करे मेरे को बच्चों को, मेरे बच्चों को हमारे को कुछ कम नहीं करे। राशन पानी ईद के दिन शुरकुरमा बना के यहाँ तक भिजा के सब बच्चों को, सब मुसलमान के पूरे औरतों को मस्जिद तल से पूरे उनको बुला के सबको खिला के सबको रमजान मनाने लगाए उन्होंने, सब उनका शुक्रिया है मेरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद कलीम हूँ, चंगी चल्ले का रहने वाला। हाल हाल में जो किस्सा हुआ था चंगी चल्ला में, चंगी चल्ला के मस्जिद के पास, वो मेड़पल्ली पीएससी, हम लोग 8 जनों जो है ना रिमांड हुए थे। कोई नहीं आया था हमारे सपोर्ट को, कोई नहीं था हमारे साथ ठहरने वाला। ऐसे सिचुएशन में असद साहब हमारे वास्ते ठहरे, हमको बहुत मदद करे, राशन पानी से लेके हमारे घर वालों को बात करके हिम्मत दे के, हमको हिम्मत दे के बहुत मदद करे। असद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बेल भी असद साहब ही करे, जमात से हमको बेल भी असद साहब ही करे। सिक्योरिटियों के पैसे तक हमको कुछ भी नहीं है तो भी फुल फ्लेज हमको सपोर्ट करके असद साहब हमको बाहर निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और हमारे अजीज़ भाई और अजीज़ भाई की टीम जो है ना बहुत मेहनत करे, दिन रात हमारे वहाँ से खाना खाना पानी नहीं रहे सा फिरे हमारे वहाँ से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अजीज़ भाई का भी और असद साहब का भी, हमारे लिए इतना मेहनत करे, हमको हमारे वहाँ से इतना फिरे, हमको बाहर निकाले। लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं असद साहब का भी और अजीज भाई का भी। शुक्रिया।